का मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो सब देख लेना। आज दिखाऊंगा इंडिया का सबसे सस्ता मटन बिरयानी, बहुत सस्ता है, 80 रुपया प्लेट। चिकन भी 80 रुपया, मटन भी 80 रुपया। आज आपको दिखाएंगे एक छोटा सा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी दुकान, छोटा सा दुकान है, एक अंकल बस चलाते हैं। आपको दिखाएंगे 80 रुपये का मटन बिरयानी, तो चलते हैं वहाँ पर, वहाँ पर सब आपको दिखाते हैं, देखते हैं कैसा है टेस्ट, कैसा नहीं है, और देखते हैं वहाँ पर 80 रुपये में क्या मिलता है। मतलब 80 रुपये का चिकन बिरयानी मान सकते, पर 80 रुपये का मटन बिरयानी कभी हम सुने नहीं थे। अभी देखते हैं उनका कैसा है टेस्ट वगैरह, क्वालिटी वगैरह कैसा है, देखते हैं। सब लोग यही है दुकान, और ये और अंकल है। अभी जस्ट बिरयानी, अभी जस्ट दुकान स्टार्ट हुआ है कुछ देर पहले, आधा घंटा हुआ है। देखो बंगाली में लिखा हुआ है, बट इसका नाम है सुदीपा बिरयानी, नंबर भी दिया हुआ है। देखो ये अंकल अकेले अंकल काम करते हैं, यही ओनर है। अभी जाते हैं इनसे, दिखते हैं। देखो वो अंदर में बैठ के खाने का भी जगह है, यहाँ पर इंसान बैठ के खा भी रहा है। देखो अंदर में आराम से बैठ के खा भी सकते हो। इसका लोकेशन मैं बाद में दिखाता हूँ, एकदम मेन रोड पे है, देख लो। इसका लोकेशन मैं बाद में आपको एग्जैक्ट लोकेशन बाद में बोलता हूँ, तभी जाते हैं इनका बिरयानी वगैरह देखते हैं। नाम, आपका नाम? मेरा नाम है, नाम पूछेंगे, मेरा नाम सुधीर। क्या नाम है? सुधीर। सुधीर मेरा नाम है, दुकान का नाम है सुदीपा बिरयानी। दुकान का नाम है सुदीपा बिरयानी। आपका लड़का का नाम है सुदीपा? मेरा लड़की। लड़की का नाम है सुदीपा। इनका बेटी का नाम पे दुकान है, देखो सुदीपा बिरयानी, इनका बेटी का नाम पे, इनका नाम है सुधीर। 39 साल जा रहा है, उम्र है 21 साल, 21 साल से नाम चेंज कर रहा है। इससे पहले नाम नहीं था, नाम है ऐसे ही, खाली होटल वाला नाम था, बिरयानी नाम था, जब लेके हुआ उसको नाम जो रखा वही नाम से दुकान चल रहा है। 21 साल हो गया। तो इनका बेटी का उम्र 21 साल हो गया। इनका जब बेटी पैदा नहीं हुई थी, इनका दुकान का नाम नॉर्मल कुछ दुकान का नाम नहीं था। बेटी हो जाने के बाद इनका दुकान का नाम सुदीपा हो गया, बेटी का नाम से सुदीपा बिरयानी का। और ये दुकान 39 ईयर्स हो गया। कितना? 12 रुपये। क्या बोले? 12 रुपये बिगड़ा था पहले, पहले बिरयानी 12 रुपये मिलता था, 12 रुपये से चालू किया, 12 रुपये से स्टार्ट हुआ था बिरयानी। 150 आए, हाँ, वो आपको 20 रुपये से चालू हुआ, 2 पीस मीट देगा, 2 पीस मीट 20 रुपया, 20 रुपये से चालू। कितना साल पहले का बात है? 1997 39 ईयर्स दुकान का, देख लो 39 ईयर्स हो चुका है। मैं मालिक हूँ, मैं ही सॉल्व हूँ, अपने से बनता है, अपने से बिकता है, चीज से बनता है, कस्टमर के अच्छे से खिला कर खुश होता है, खाता है, बिकी बहुत है। हम लोग डेली 2 हाड़ी ऐसे ही चले गए, छुट्टी भाया मैं कल 3 हाड़ी मारा, डेली 2 हाड़ी बिकता है, 2 हाड़ी ऐसे ही कम कम ही चलेगा, फिर ऑर्डर होगा तो बहुत होगा। पूजा में 10-10 हाड़ी 20 हाड़ी खाता है, एक एक नाइट पूजा पूरा नाइट खुला, पूजा के टाइम पूरा नाइट खुला रहता है, पूरा आप ही रहते पूरा नाइट। सोते कब? कोई झाप नहीं बंद होता। तो सोते कब? पूजा के लिए सोता नहीं, सोते सामान नहीं। देख लो भाई, पूजा के, दुर्गा पूजा कोलकाता का सबसे बड़ा पूजा है, तो उस टाइम पूरा पूरा रात दुकान खुला रहता है, 5 दिन पूरा रात, दिन भर पूरा रात भर। अंकल बोले 5 दिन पूरा सोते ही नहीं है, तो बहुत हार्ड वर्किंग अंकल है भाई, देख के लग रहा है। आपका उम्र अंकल? उम्र 61। कितना? 61। अंकल का उम्र 61 है, देख लो अभी भी एकदम, मतलब एकदम हंसने वाला चेहरा, देखो हंसमुख चेहरा एकदम, अभी भी एकदम अच्छा। 20-21 साल से दुकान चालू थी, दुकान भी उसी टाइम से ही है। क्या प्राइस है चिकन मटन बिरयानी का? अभी अभी तो आपको मटन भी 80 हुआ, चिकन भी 80 है, लेकिन चिकन का पीस जो है 100 ग्राम से ऊपर, 100 ग्राम मटन जो है 70 ग्राम, वो 70 ही होगा, कम नहीं ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन चिकन ज़्यादा जैसी भी हो जाता दाम एक ही भी। ये हाफ प्लेट और फुल प्लेट? फुल ऑर्डर डबल पीस रहेगा लिखा हुआ है, हाँ, फुल प्लेट में 2 पीस 150 रुपये, 150। और चिकन में? चिकन है, चिकन 140। अच्छा, आपको अंडा भी रहेगा, इसमें अंडा नहीं रहेगा, उसमें अंडा नहीं रहेगा, कमना चाहिए। सोलह सौ ये वाला दुकान, और इनका पीछे की तरफ में ही अपना बिरयानी बनाते हैं, यहीं पे बनाते हैं, बहुत बड़ा जगह पे है।
इसको अभी अंकल पूरा रिपेयर कर रहे हैं, इसको अभी बोले कि अच्छा तरीके से बनवाएंगे, पूरा ख़राब हो गया है तो अभी इसको अच्छा तरीके से बनाएंगे। बहुत पुराना दुकान है, 39 ईयर्स हो गया दुकान का। ये वाला अंकल बोल सकते हो किचन है। सो गाइस देखो यहाँ पे आप आराम से आके बैठ के भी खा सकते हो, सब पंखा लगा हुआ है, लाइट भी अच्छा खासा है, आराम से बैठ के खाओ, मतलब गर्मी वगैरह नहीं लगेगा। 80 रुपये में आपको बैठ के भी खाने का मिल जाए, ऐसे बहुत सारे दुकान होते हैं जहाँ पे बैठ के खाने को नहीं मिलेगा, 70-80 रुपये का भी दे देगा, बाहर खड़ा होकर हाथ तो लेके खाओ, पर यहाँ पे आप आराम से बैठ के भी खा सकते हो। अच्छा बड़ा जगह है, अच्छा खासा बड़ा जगह है और यहाँ पे खाना बनता है। देखो सो देखो, एक प्लेट चिकन बिरयानी लिए, एक प्लेट मटन बिरयानी लिए, दोनों बिरयानी का दाम है 80 रुपये। 80 रुपये में देखो क्वान्टिटी ठीक है, ख़राब नहीं है, खाने के बाद पता चलेगा क्वान्टिटी कैसा है। 80 रुपये में ठीक है। और देखो दोनों बिरयानी में आलू दिया हुआ है, आलू का साइज देखो, एक तो पूरा आलू दिया हुआ है इसमें। देखो मटन का पीस देख लो, मटन का वजन है 70 ग्राम और चिकन है 100 ग्राम का ऊपर, 100 ग्राम से ऊपर भी हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा, बट मटन बिरयानी जो है, मटन जो है वो 70 ग्राम ही होगा, 70 से ज़्यादा भी नहीं होगा, 70 से कम भी नहीं होगा। तो उसको खा के देखते कैसा है, टेक्स्चर अच्छा है, देख के अच्छा लग रहा है, स्मेल अच्छा आ रहा है, खा के पता चलेगा कैसा है। तो खाते राइस देख लो, राइस भी एकदम टूटा हुआ राइस नहीं है, देखो देख लो, खा के पता चलेगा, खा के देखते कैसा है। तो बस पहले चिकन बिरयानी टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। मटन बिरयानी बहुत अच्छा है, मटन बिरयानी का देखो, बिरयानी तो सेम है, आलू भी सेम है, बिरयानी राइस भी सेम है, बस इनका मटन में फर्क है, मटन है 70 ग्राम, मटन बहुत सॉफ्ट है देखो, मटन मतलब ऐसे करने से देखो निकल जा रहा है, बहुत सॉफ्ट है मटन, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ऑयली है, अच्छा लग रहा है, बहुत सॉफ्ट है, पीस भी ठीक है। तो इनका मटन भी अच्छा है, चिकन भी अच्छा है, चिकन हल्का सा और मतलब थोड़ा सा और अगर पका रहता तो अच्छा होता, ऐसा नहीं ख़राब है, बट मटन बहुत अच्छा है, 80 रुपये में बहुत अच्छा बिरयानी, सब अभी तक का मेरे को जहाँ तक पता है सबसे सस्ता बिरयानी यही है। तो ये लोग पूरा खा लेते, देखो सैलेड भी दिया हुआ है, नींबू भी दिया हुआ है, एक पीस मिर्चा भी दिया हुआ है, तो ये लोग खा लेते फिर आपसे बात करते हैं।
अंकल आपका दुकान का लोकेशन क्या है? दुकान का टाइमिंग? हर दिन संडे भी? संडे ज़्यादा सही है ना। दुकान का लोकेशन बोल दूँ? देखो ये है लॉर्ड्स मोड़, देखो ये जो है इसको बोलते हैं लॉर्ड्स मोड़। वहाँ पे लियोन जो गंदराज मोमो के लिए बहुत फेमस हुआ था उस फुटपाथ पे, और देखो मियोमो का ठीक एकदम अपोजिट में है श्री का बिरयानी। यहाँ पे और भी बहुत सारे बिरयानी दुकान, कन्फ्यूज मत होना वहाँ पे है, वहाँ पे है, तो कन्फ्यूज़ मत होना। देखो श्री का बिरयानी सब दूसरों को कम्पिटिशन देते हैं, बट इनके पास में आया क्योंकि ये सबसे एडिक्ट और अकेले काम कर रहे थे, इसलिए मैंने इनके पास ही आया। लोकेशन ये है लॉर्ड्स मोड़, एकदम ठीक मियोमो का अपोजिट में है, लॉर्ड्स मोड़ मियोमो का अपोजिट में है। ये लोकेशन जाएगा साउथ सिटी के तरफ और जो लड़ा से चल जाएगा टॉलीगंज की तरफ। सो बस बिरयानी खा ली है, आपको सॉरी बोलूँ 80 रुपया था दोनों का, अच्छा था खाने में, दोनों ही अच्छा था। 80 रुपये में आप बहुत अच्छा भी बिरयानी नहीं बोल सकते, तो 80 रुपये में 80 रुपये के हिसाब से बिरयानी अच्छा था। और वहाँ पे और लगातार 300 दुकान था बिरयानी का, तो हम उसके पास गए क्योंकि वो अकेले काम कर रहे थे और उधर उधर सबसे बेसी वो तीनों में सबसे बेसी एज यूनिक कर रहे, इसलिए हमने उनके पास ही गया। आप आजू बाजू भी जा सकते हो, बट इनका बिरयानी भी ख़राब नहीं था, अच्छा था। और दो बिरयानी का उनको नहीं पता, इनका बिरयानी भी अच्छा था, 80 रुपये के हिसाब से अच्छा था। मटन बिरयानी तो मैंने आज तक 80 रुपये में कहीं नहीं देखा, ना देखा है ना कभी खाया, तो ठीक था। और इनका लोकेशन है लॉर्ड्स मोड़, मतलब साउथ सिटी मॉल के एकदम पास में। साउथ सिटी मॉल के आसपास ना बहुत सारा मेरा ब्लॉग हो चुका है, तो वो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, सब देख लेना। जो गोंडवाज मोमो जो फेमस हुआ, तो वो एकदम इस दुकान के एकदम पास में ही है, लियोन्स मतलब एकदम पास में ही, वो मोड़ पे ही है। तो उसका भी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, सारा वीडियो आप देख लेना, अच्छा अच्छा वीडियो है साउथ सिटी मॉल के आसपास। और यहाँ पे ना बहुत अच्छा अच्छा दुकान भी है खाने पीने का, यहाँ पे खाना पीना का दुकान का भर्ती है, बहुत सारा दुकान है, इसलिए बार बार मेरे को यहाँ पे आना पड़ता है। ये जगह बहुत अच्छा है खाने पीने के लिए, बहुत अच्छा जगह है। बस आज का वीडियो बहुत छोटा सा नॉर्मल सा वीडियो था, बस बिरयानी का छोटा सा एकदम नॉर्मल सा। तो ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देंगे। ये वीडियो अगर अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। अब आप लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए बाय।